YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग adaptations डिस्कस करने वाले हैं. Adaptation in animals इससे पहले वाले पार्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो आज जो adaptive features हम लोग देख रहे हैं, कुछ specific adaptation which is characterized by certain specific phenomena. ठीक है. और किसी भी adaptation में इंपॉर्टेंट क्या है? एडाप्टेशन एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन जिसको अडाप्ट करने में काफी वक्त गुजर जाता है, काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये अडाप्टेशन किसी रैंडम मूवमेंट की वजह से नहीं होता. या ऐसे समझिए कि जिराफ के नेक पे अडाप्टेशन हुआ तो उसमें एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा. जब उसका डाइट्री पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ और उसने टॉलर ब्रांचेस से लीव को पिक करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसके नेक पे अडाप्टेशन बिल्डअप कर गया और वो अडाप्टेशन होने में काफी टाइम लगा. चेंजेस अगर ये अडाप्टेशन ना हो तो शायद जिराफ को सफिशियंट अमाउंट में फूड ना मिलता और वो एक्सटिंक्ट हो जाते. तो कहीं ना कहीं अडाप्टेशंस होना मस्ट है फॉर द सर्वाइवल, फॉर द रिप्रोडक्शन एंड फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ रेस, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. अगर अडाप्टेशन नहीं होगा तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाते हैं. तो बहुत सारे अडाप्टेशंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में. आज के अडाप्टेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. लाइक द फर्स्ट वन इज हाइबरनेशन. तो हाइबरनेशन एक्चुअली है क्या? हाइबरनेशन वो फिनोमिना है जो कुछ टॉर्टोइस भी शो करते हैं, कुछ स्नेक्स भी शो करते हैं, टर्टल्स शो करते हैं. हाइबरनेशन में होता क्या है ना कि अगर बाहर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है तो ये उस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. तो उसके एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए, बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए, ये अपने टेम्परेचर लॉस को कम करते हैं, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं और इतना स्टोर कर लेते हैं ताकि ये उस एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सके, इन्हें ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े इन सर्चिंग ऑफ देयर फूड एंड शेल्टर. समझ में आ रहा है आपको? तो हाइबरनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना बन जाता है और इसीलिए ये कॉमन अडाप्टेशन है जो एनिमल शो करते हैं to escape in time when their immediate environment is extremely cold. अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो ये फिनोमेना कुछ एनिमल्स में बहुत कॉमन है. और इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस्ड होती है एंड टेम्परेचर लॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. हाइबरनेशन के बाद कुछ एनिमल्स माइग्रेशन भी फॉलो करते हैं, माइग्रेशन को प्रेफर करते हैं. बर्ड्स में ये बहुत कॉमन है. माइग्रेशन में क्या होता है कि अगर सेम वो ये एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है सराउंडिंग्स में, तो इस कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए ये माइग्रेट करके ये अपने प्लेस को छोड़ के उस प्लेस पे पहुंच जाती है जहां पे सीजन इनका फेवरेबल हो या जहां पे ये कोल्ड कंडीशंस ना हो. आपने देखा होगा कि जो साइबेरियन बर्ड्स हैं ये भरतपुर नेशनल पार्क में माइग्रेट होके आती हैं और ये माइग्रेट तभी होती है जब वहां सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं. तो माइग्रेशंस भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि अगर वो टेंडेंसी इंटरनली नहीं है तो एटलीस्ट दे कैन मूव फ्रॉम द प्लेस जहां पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है टू द प्लेस जहां पे ये कंडीशंस नहीं है. थर्ड वन, कुछ एनिमल्स माइग्रेट नहीं करते ना वो हाइबरनेशन करते हैं. उस कंडीशन में ये अपने सरफेस को बहुत हार्ड कर लेते हैं और इस हार्डनिंग को हम कोल्ड हार्डनिंग बोलते हैं. ठीक है, ये बार्नेकल्स में एंड मॉलस्क में बहुत कॉमन है. बार्नेकल्स जो कि एक क्रस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करता है और सेकेंड जो है जिसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल भी मैं बोलूं तो मॉलस्क में शेल की प्रेजेंस की वजह से ये एक्सट्रीम हार्डनिंग शो करते हैं जिसको कोल्ड हार्डनिंग बोला जाता है. ठीक है, फोर्थ, और ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है,
बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में, एकेडमिक्स में, स्टेट बोर्ड में इस पे बनते हैं कि जितने भी मैमल्स कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस में है, उस कंडीशन में जहां एक्सट्रीम कोल्ड है, उस कंडीशन में उन मैमल्स में कुछ अडेप्टिव फीचर्स बिल्डअप होते हैं। वो फीचर्स क्या है कि उनके लिम्ब्स शॉर्ट होते हैं, उनके ईयर्स शॉर्ट हो जाते हैं। इन दो टेंडेंसी से क्या होता है ना, जब ईयर्स शॉर्ट हो, लिम्ब्स शॉर्ट हो, तो उनका हीट लॉस बहुत मिनिमम होगा। तो टू मिनिमाइज द हीट लॉस, द एनिमल्स और द मैमल्स लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव शॉर्टर लिम्ब्स एंड शॉर्ट ईयर्स। ठीक है, इसी फिनोमिना को एलन्स रूल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बट अगर मैं एक्वाटिक मैमल्स की बात करूं, एक्वाटिक मैमल्स ऑफ पोलर सीज, अच्छा इस मैमल्स में भी ना कुछ मैमल्स बहुत पॉपुलर हैं। आपने देखा होगा, खैर एग्जांपल्स पे अभी मैं बाद में आ रहा हूं। तो ये एक्वाटिक मैमल्स जो होती है ना पोलर सीज की, इनके ऊपर एक थिक फैट की लेयर होती है। उस फैट की लेयर को बोलते हैं ब्लबर। और ये ब्लबर करती क्या है, ये ब्लबर इनके बॉडी में इंसुलेटर का काम करती है और इससे बॉडी से फैट लॉस बहुत कम होता है। तो ब्लबर एक काइंड ऑफ एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू जहां पे फैट स्टोर हो, और जहां पे फैट स्टोर होता है वहां इंसुलेशन तो बिल्डअप होगा ही होगा। ओके, अब मैं बात करूंगा इस लास्ट कैटेगरी की, लास्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना की। जितने बर्ड्स कोल्डर रीजन में हैं, उनके विंग्स बहुत नैरो, बहुत टेपर्ड होते हैं। वो विंग्स नैरो टेपर्ड इसीलिए होते हैं ताकि उनकी बॉडी इंसुलेटेड रहे, और इस फिनोमेना को रेंच रूल बोलते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट एलन रूल है, उतना ही इंपॉर्टेंट रेंच रूल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत सारी फिनोमेनास आपने देख ली है, कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अडेप्टेशन इन एनिमल्स के लिए। अगर आपको ये फिनोमेना समझ में आया है ना, तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और जितने नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।